किरदार जो है काफी पॉजिटिव है, काफी यू कैन से बहुत नाइव थी। काव्या जो है अभी काफी चेंज हो गई है। जिस तरह का कैरेक्टर था मुझे जो पहले था वो काफी भोली वाली सी थी, अच्छी सी थी, डिपेंडेंट थी, नाइव थी, और हमेशा सपोर्ट चाहिए होता था उसे। तो नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड एंड वो अभी एक टोटली डिफरेंट पर्सन हो गई है, बिकॉज लाइफ में इतने सारे हर्डल्स के ऊपर पहले काफी डिफरेंट थी और वो हमेशा सोचती थी कि उसकी जिंदगी में कभी कोई टफ टाइम आ ही नहीं सकता, बिकॉज वो अपने भाग्य में बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। तो उसे ऐसा लगता था कि सब कुछ अच्छा ही होगा उसकी लाइफ में, कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके अपने उसके साथ है, सपोर्ट करने के लिए हमेशा उसके साथ खड़े हैं, तो कभी गलत कुछ हो ही नहीं सकता काव्या के साथ। बट लाइफ में आगे क्या होने वाला है, उसे क्या क्या फेस करना पड़ेगा, ये तो उसे नहीं पता था। तो नाउ दैट शी इज फेसिंग सच सिचुएशन, सो नाउ फॉर काव्या इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन राइट नाउ। ओके, काव्या बात की जाए 100 एपिसोड्स डे वन से और 100 डेज तक की, कुछ ऐसी जर्नी के बारे में बताइए जो आपके लिए और खास रही हो, वो मोमेंट्स आप कभी भूल नहीं सकते और अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि काव्या जो कैरेक्टर है वो जुड़ गया है मुझसे, आई कांट टेक हर आउट ऑफ माई, तो जीने लगी हूँ। ईच एंड एवरी डे आई एम गेटिंग टू लर्न काव्या मोर, गेटिंग टू नो काव्या मोर, एंड आई एम लिविंग द लाइफ ऑफ काव्या। सो आई मीन इट्स अ वेरी इट्स लाइक बहुत ज़्यादा पर्सनल हो चुका है। सो आई वुड चेरिश काव्या एज अ कैरेक्टर फॉर माई लाइफ टाइम, एंड आई वॉन्ट टू लिव दिस कैरेक्टर एवरी डे। ओके, बात की जाए 100 एपिसोड्स की और डे वन जब भी शूट स्टार्ट हुआ था तो विंटर्स के सीजन थे, तो विंटर्स के सीजन की कुछ हस्तियां आपको याद होंगी, क्योंकि कई बार आप लोगों ने फिल्म सिटी में जो शूट किया है तो कुछ छोटी थोड़ी मेरी। इनिशियली तो काव्या बहुत ही हैप्पी गो लकी गर्ल थी, उसको कॉलेज में उसके फ्रेंड के साथ हमेशा घूमती रहती थी, और कभी भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होगी तो हमेशा थी, तो शी वॉज अ वेरी हैप्पी गो लकी एट दैट टाइम। तो बहुत फन यू नो सीन्स हुआ करते थे। सो वो एक जब वो कॉलेज वाले जो मैंने शूट किए जो सीन्स शूट किए, जो अर्लियर काव्या जो कॉलेज डेज वाली जो काव्या थी वो आई मिस अ लिटिल बिट, क्योंकि उस टाइम पे शी वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। आप फाइनली सारी चीजें होंगी, बट आप अपने दर्शकों से क्या कहना चाहोगे जो आपको इतना पसंद कर रहे हैं और कमेंट भी करते हैं आपके लिए, आपको पर्सनल डीएम भी करते होंगे, तो आप प्लीज उनके लिए कोई मैसेजेस देना चाहें। मैं यही कहना चाहती हूँ कि काव्या को एज कैरेक्टर डे वन से सपोर्ट किया, अभी तक सपोर्ट करते जा रहे हो, आप मैसेजेस मुझे भेज रहे हो, आई एम चेकिंग एवरीबॉडीज मैसेजेस, आप मेंशन कर रहे हो मैं वो भी देख रही हूँ, और हमारे शो को आपने इतना जो प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। एंड आई वुड लाइक टू से कि ये 100 एपिसोड सिर्फ हम एक्टर्स की वजह से या यू नो जस्ट बिकॉज ऑफ एक्टर्स ये शो 100 एपिसोड नहीं कंप्लीट कर पाया, इट्स द एंटायर टीम्स एफर्ट्स दैट वी हैव बीन एबल टू कंप्लीट 100 एपिसोड। सो थैंक यू सो मच देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए।